नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। 76th कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज फ्रेंच रिवेरा में हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस इस बार डेब्यू कर रही हैं। कांस में डेब्यू करने वालों में अनुष्का शर्मा से लेकर मानुषी चिल्लर और सारा अली खान भी शामिल हैं। वही कांस 2023 के रेड कार्पेट पर पहले ही दिन सारा अली खान पहुंच चुके हैं और उनके लुक ने हर किसी को चौंका दिया है। कांस 2023 के रेड कार्पेट से सारा अली खान की कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में सारा इंडियन अवतार में दिख रही हैं। सारा ने विदेश में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में पूरी तरह से देसी लुक अपना लिया है। सारा अली खान ने अबू जानी संदीप खोसला डिजाइन ऑफ वाइट लहंगा पहनकर पहली बार कांस के रेड कार्पेट पर वॉक किया। उनके इस लुक को देखकर हर कोई हैरान रह गया। अबू जानी संदीप खोसला के डिजाइनर लहंगे में वो बला की खूबसूरत लगी। उनका ये लुक ब्राइडल लुक जैसा नजर आया। इसके साथ ही सारा ने काफी कम मेकअप और बेहद ही कम ज्वेलरी भी पहनी। लेकिन कहते हैं ना कि यूजर्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज को ट्रोल करने से बाज नहीं आते। सारा अली खान का ये लुक भले ही देसी हो लेकिन यूजर्स हैं कि उन्हें ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे। एक यूजर लिखते हैं कि डोंट थिंक सो, शी कुड हैव डन सो मच बेटर। वहीं एक ने लिखा कि लुक्स लाइक हर वेडिंग फोटोशूट। एक यूजर का कहना है कि आखिर वो दुल्हन की तरह क्यों सजी हुई है। एक यूजर कहते हैं कि ये कांस कम शादी की पिक ज्यादा नजर आ रही है। वहीं एक ने लिखा कि ब्राइडल ड्रेस एट कांस, इट्स फिल्म फेस्टिवल। वैसे आपकी क्या राय है, आखिर कांस में सारा का लुक आपको कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलिएगा। टिल देन वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।